सीएस रैंक खेलते हो तो सीएस रैंक खेलते समय आपको ये नहीं समझ में आता कि किस प्लेस पे किस टाइम पे किस एंगल पे हम ग्रेनेड को कुक करके फेंके कि बंदे हमें नॉक मिलेंगे मिलेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में आपको ऐसे ऐसे ग्रेनेड एंगल बताने वाला हूँ कि उन एंगल से ग्रेनेड को कुक करके फेंकोगे तो 100% बंदा आपको नॉक मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड फर्स्ट प्लेस की बात करें तो ये वर्क करता है कटलिस्ट टॉप प्लेस पे एंड ये वर्क करता है एल्सेपोला हाउस के ऊपर। जैसे मैं रूक के ऊपर आ रहा हूँ और फटाफट आप रूक ऊपर आ जाना एंड देखो ये वुडन वाला हाउस ना, इस हाउस से बहुत सारे बंदे आगे आते हैं। तो देखो मैं जैसे ग्रेनेड थ्रो कर रहा हूँ, गेस करके आप ऐसे थ्रो कर दोगे तो बंदा एक नॉक निकल जाएगा। यही स्पून अगर दूसरी साइड आप में हो जाते तो फटाफट इस वॉल के पीछे आकर खड़े हो जाना एंड यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे गेस कर रहा था कि फटाफट यहाँ पे बंदा होगा ही होगा एंड ये बंदा फटाक से गुलवल लगाकर पीछे भग रहा था। बट मैं यहाँ पे इसका लोकेशन देख लेता हूं एंड यहां से ग्रेनेड थ्रो करके बहुत इजी स्पीड से नॉक कर देता हूं। सो कैटलिस्ट ऑफ प्लेस पे आपको मैंने दो एंगल बता दिए थे, इन एंगल का यूज करके आप बंदों को नॉक कर सकते हो। सो फ्रेंड नेक्स्ट प्लेस पड़ता है केप टाउन प्लेस पे एंड आपको फटाफट रन करके स्टेयर्स के ऊपर आ जाना है एंड यहां पे एक बेस्ट आपको एंगल बता देता हूं। देखो अगर इस साइड से बंदा आता है तो जैसे यहां मैं ग्रेनेड करूंगा ना, देखना आपको इस साइड में जैसे मेरा टीममेट जा रहा है, अगर इस साइड से बंदा आता है तो आपको ऐसे ग्रेनेड को कुक नहीं करना है, जैसे फिर थ्रो कर वापस थ्रो कर देना एंड ये बिल्कुल जाकर सेंटर में पड़ेगा एंड यहां पे देखो बहुत इजी बंदा नॉक हो चुका है एंड यहाँ से बहुत ही किल निकाल। यही दूसरे साइड से स्पॉन होते हो तो आपको फटाफट रन करके करते ये वाले प्लेस पे आ जाना है एंड यहाँ पे देखो जो वाले हाउस होता है ना, इसके ऊपर बंदा कंफर्म 100% होता ही होता है। तो जैसे मैं ग्रेनेड को कुक करके फेंक रहा हूँ, आप ऐसे कुक कर फेंक दो ना एंड 100% बंदा यहाँ पे नॉक हो जाए एंड यहाँ पे आपको कभी भी डबल या ट्रिपल भी नॉक मिल सकते हैं। सो फ्रेंड आप नूरेक डैम पे बात करें तो नूरेक डैम पे देखो आप यहाँ पे अगर बैठ जाना एंड यहाँ पे अगर कोई सामने से बंदा आता है तो उसे ग्रेनेड को थ्रो करके किल कर सकते हो एंड देखो अगर पीछे से कोई बंदा आता है तो आप यहाँ से किल कर सकते हो। बट यहाँ मैंने बंदा को देख लिया था एंड ये बंदा आने की ट्राई कर रहा था, मैंने फटाक से ग्रेनेड को कुक करके फेंक दिया एंड ये बंदा बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था एंड यूएसपी का थोड़ा सा डैमेज दिया एंड ये बंदा बहुत ही नॉक हो चुका एंड यही स्पून अगर आप इस साइड से हो जाते हो तो यहाँ पे आपको बता दो आप ग्रेनेड को थ्रो कैसे करना है। देखो अगर आपको विस्टन है तो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे विस्टन अगर नहीं है तो फटाफट रन करके यहाँ पे जो बॉक्स पड़ा है फटाफट इसके कवर लेना पड़ेगा एंड इसके बाद आपको यहाँ पे कवर लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे उसके बाद विदाउट विस्टन भी आप बहुत इजी ग्रेनेड को कुक करके फेंक कर बंदों का बहुत से नॉक कर दोगे। बट यहाँ पे देखो मेरा जो ग्रेनेड है वो वॉल के ऊपर चला गया था तो इसलिए वो थोड़ा सा इधर ही फट गया एंड यहाँ पे देखो अगर आप विदाउट विस्टन में फेंकोगे तो बहुत यहाँ पे बंदे नॉक हो जाएंगे। सो फ्रेंड नेक्स्ट प्लेस वर्क करता है सिप्याट पे एंड यहाँ पे बहुत इजी वाला एंगल बताने। देखो अगर कोई बंदा ये वाला साइड में यहाँ पर कोई ड्रॉप गिरता है, यहाँ पर कोई बंदा लूटने आता है तो बहुत इजी से आप नॉक कर सकते हो, नहीं तो कोई आपका बंदा बिल्कुल पीछे आ सकता है तो वहां पे आपको नॉक कर सकते हो। फटाफट आपको मैं पहले सामने करके दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रेनेड भी कैंसिल कर देता था। वो आपको ग्रेनेड अगर पता है आपको करना है ग्रेनेड को कैंसिल मैं कैसे कर रहा हूँ तो देखो मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का एंड वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ पे बहुत इजी से आप देख सकते हो एंड यहाँ पे देखो बंदे को बहुत ज्यादा मैंने डैमेज कर देता एंड ये बंदा थोड़ा सा जैसे मैं भगता तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये बंदा कहीं ये भी छुपा हुआ है एंड इस बंदे को बहुत इसमें नॉक करके किल निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड अब यही स्पॉन हो जाए इस साइड से तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे आपको ग्रेनेड को थ्रो कैसे करना है। फटाफट ऊपर आ जाना एंड यहाँ पे देखो मैं जैसे ऊपर जा रहा हूँ आप ऐसे ऊपर आ जाना एंड आपको बिल्कुल ये वाले प्लेस पे आ जाना। जैसे मैं ये वाले प्लेस पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे 101% यहाँ पे बंदे मिलेंगे मिलेंगे एंड यहाँ पे एक देखो यहाँ पे एक नहीं दो बंदे मिलते एंड यहाँ पे आपको थोड़ा भी ग्रेनेड को कुक करके नहीं फेंकना है, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको यहाँ पे जंप करके ग्रेनेड को थ्रो करना है तभी आप बंदों को बहुत इसे नॉक कर पाओगे, नहीं तो नहीं नॉक कर पाओगे। एंड यहाँ पे देखो मैंने दो बंदों को डैमेज यहाँ पे दिया था एंड एक बंदों को मेरे टीममेट ने किल कर दिया बट यहाँ पे एक बंदों को मैंने किल कर दिया। तो फिर नेक्स्ट प्लेस की बात करें तो ये वर्क करता है फैक्ट्री पे एंड यहाँ पे फैक्ट्री पे बहुत ज्यादा बेस्ट आपको एंगल बता दो। आपको देखो फटाफट पहले तो यहाँ पे बैठ जाना है, अगर कोई बंदा सामने से आता है तो यहाँ पे सामने ग्रेनेड करना है, नहीं तो फटाक से रन करके आपको पीछे में चले जाना है एंड ये बंदे 100% यहाँ पे बंदे पीछे से आए थे ही होंगे एंड इन बंदे के ऊपर बहुत ही से ग्रेनेड को थ्रो करके बहुत ही उनको नॉक कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा दो बंदों को मैंने डैमेज दे दिया है एंड ये बंदे अभी सोच भी रहे होंगे कहाँ से बंदा ग्रेनेड आया है, तभी मैं इसको बहुत जल्दी से ऊपर रस करता हूँ एंड इन दोनों बंदों को बहुत फटाफट मैं डाउन कर देता हूँ एंड इन बंदों को बहुत इस मैंने यहाँ पे किल किल कर ही देता हूँ। एंड देखो आप सेकेंड मैच में अगर इस साइड से अभी स्पॉन हो जाते हो तो यहाँ पे आपको ग्रेनेड कैसे करना है। देखो आप फटाफट पहले तो यहाँ पे ग्रेनेड लेके खड़े हो जाना एंड आप थोड़ा सा वेट कर लेना, अगर यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिलता है तो फटाक से आपको इस रूम के अंदर जाना पड़ेगा यानी कि इस हाउस के अंदर जाना पड़ेगा एंड जब आप इस फैक्ट्री के अंदर आ जाते हो तो जो देखो जो यहाँ पे मैंने बताया था ना इस बॉक्स वाले पीछे, वो 100% कन्फर्म है कि बंदा वहाँ पर बैठा आपको मिल जाएगा एंड देखो वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था एंड इस साइड से एक बंदा आता है तो फटाक से ग्रेनेड थ्रो कर देता हूँ एंड ये बंदा बहुत ही नॉक हो जाता है।
करता है। तो देखो आप ये भी ऐसे करके बहुत स्किल निकाल सकते हो। तो फ्रेंड सेकंड प्लेस की बात करें तो ये वर्क करता है मील पे। एंड यहाँ पे देखो मील पे आते फटाफट आपको यूएल प्लेस पे आ जाना, थोड़ा सा वेट करना एंड थोड़ा सा जैसे बंदा दिखता है ना तो फटाक से ग्रेनेड को कुक करके फेंक देना। बट यहाँ मुझे बंदा दिख चुका था लेकिन ये बंदा ऊपर से आ रहा था एंड इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। एंड जैसे ये बंदा थोड़ा सा नीचे आ गया ना तो फटाक से ग्रेनेड को कुक करके फेंक दूंगा। एंड देखो जैसे मैं यहाँ पे जितना मैं कुक करूंगा ना आप भी उतना ही कुक करना, क्योंकि यहाँ पे सेम ही वर्क करता है। चाहे मैं कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस में बंदा हो या नहीं हो बट यहाँ पे बहुत इजी उतना ही कुक करोगे तो उतना ही बंदा बहुत इजी नॉक हो जाए। अगर आप अपोजिट साइड से स्पोन हो जाते हो तो देखो यहाँ पे आ रहा हूँ, आप भी सिंपल सीएल प्लेस से फटाक से रन करके आ जाना। एंड यहाँ पे देखो मैं जितना कुक करूंगा 2 पॉइंट में कुक करता हूँ, यानी कि 2 सेकंड के लिए कुक करता हूँ एंड फटाक से ग्रेनेड को थ्रो कर देना एंड 100% बंदा किल हो ही जाएगा। सो फ्रेंड अगर आप इस साइड से स्पोन हो तो मैं यहाँ पे बता दो कैसे ग्रेनेड को कुक करना। फटाफट पहले तो आपको यहाँ पे आकर बैठ जाना एंड ग्रेनेड हाथ में ले लेना एंड यहाँ पे जैसे आपको बंदा दिखता है फटाक से ग्रेनेड को कुक करके फेंक देना। एंड देखो यार दो बंदे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे जो कि बट मेरे टीममेट ने मेरा किल चोरी कर लिया। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्लेस वर्क करता है मार्शल ट्री पे एंड यहाँ पे आपको 2 साइड में ग्रेनेड कर सकते हो। देखो तो पहले फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे एयर ड्रॉप के पास में कर सकते हो, नहीं तो आप इसके पीछे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो पता नहीं किसे क्या बोलते हैं क्रेन टाइप का कुछ है, यहाँ पे अगर इसके पीछे करोगे तो यहाँ पे भी 100% बंदा नॉक मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कवर लेते हैं। खासकर मैं भी बहुत ज्यादा अगर मैच खेलता हूँ तो अगर मार्स सिलेक्टर का आता ना तो मैं इस साइड से अगर आता हूँ तो यही प्लेस का मैं कवर लेकर बंदे को बैठकर बहुत इसे किल करता हूँ। तो देखो आप उस साइड से बहुत इसे किल कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो सेकंड टाइम अगर अभी इस साइड से स्पॉन हो जाते हो तो आपको यहाँ पे अगर बैठना, जैसे मैं ये प्लेस से बैठ रहा हूँ आप भी यहाँ पे सिंपल से बैठ जाए, थोड़ा सा बंदे को वेट करना। एंड देखो जो कॉर्नर है ना इसी कॉर्नर बंदा 100% मिलता है। एंड यहाँ पे नेट कुक करके फेंकोगे तो बहुत इसे बंदा किल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए तो एक बंदा बहुत इसे किल हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्लेस की बात करें तो ये वर्क करता है संतोषा प्लेस पे। एंड संतोषा प्लेस पे जो डस्टबिन वाला बॉक्स रखा हुआ था उसके ऊपर फटाक से जंप करके यूएल प्लेस पे आ जाना। एंड देखो 100% बंदा यहाँ पे एयर ड्रॉप लूटते हुए मिलेगा ही मिलेगा एंड उन बंदों को बहुत ही सब नॉक कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बंदों को डैमेज पड़ा एंड एक बंदा डायरेक्ट नॉक हो चुका था। ऐसे आप बंदों को बहुत ईजी से किल कर सकते हो एंड अपने टीममेट का फुल सपोर्ट भी कर सकते हो। अपोजिट साइड से स्पोन जाते हो तो देखो फटाफट रन करके फटाफट इस फेंसेस के पीछे आ जाना एंड इस फेंसेस पीछे आपको यहाँ पे बैठ जाना एंड यहाँ पे बैठ जाना। एंड देखो यहाँ पे 2 साइड से आप यहाँ पे ग्रेनेड को कुक कर फेंक सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस हाउस के पीछे फेंक सकते हो या बड़े वाले हाउस के पीछे फेंक सकते हो एंड यहाँ पे 100% बंदा कंफर्म आपको नॉक मिल ही जाएगा। सो फिर नेक्स्ट प्लेस की बात करें तो वो वर्क करता है हैंगर प्लेस पे। एंड यहाँ पे देखो हैंगर प्लेस पे जब भी आते हो तो फटाफट यहाँ पे आकर बैठ जाना एंड यहाँ पे वेट करना। जब तक एयर ड्रॉप नहीं आता ना तो इसके आगे बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो यहाँ पे आप डाउन हो सकते हो। एंड जैसे एयर ड्रॉप आता है तो फटाफट एयर ड्रॉप को भी कवर लेना एंड बॉक्स को भी कवर लेना। एंड देखो आप यहाँ पे ग्रेनेड को कुकर फेंक सकते हो एंड यहाँ पे इसको अपोजिट साइड फेंक सकते हो एंड यहाँ पे 100% आपको बंदा मिल ही जाएगा। एंड यहाँ पे देखो बहुत इजी एक बार यहाँ पे बंदा डाउन भी हो चुका है। आप अपोजिट साइड से स्पोन हो जाते हो तो फटाफट यूएल प्लेस पे आ जाना एंड थोड़ा सा वेट करना एंड 100% कन्फर्म है कि इस हाउस के ऊपर आपको बंदा मिल ही जाएगा। एंड जैसे आपको इसका लोकेशन दी फटाफट ग्रेनेड को कुकर फेंक देना एंड ये बंदा बहुत ही नॉक हो जाए। एंड देखो दूसरे एंगल की बात करें तो फटाफट यहाँ पे इस रूक पर आ जाना एंड यहाँ पे रूक पर आकर आपको सिंपल इस कॉर्नर पे बैठना पड़ेगा। एंड यहाँ से देखो 2 एंगल्स आप ग्रेनेड को अगर फेंक सकते हो एंड यहाँ पे बहुत इस बंदा नॉक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे फेंक सकते हो एंड सेकंड टाइम में आप यहाँ इस साइड से भी फेंक सकते हो एंड यहाँ पे तो 100% बंदा कंफर्म आपको डैमेज मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो बहुत इजी यहाँ पे 2-2 बंदे डैमेज हो जाते हैं एंड दोनों बंदों को बहुत इजी से हम किल कर देते हैं। सो फिर नेक्स्ट एंगल की बात करें तो यहाँ पे कोई मैं आपको एंगल नहीं देने वाला हूँ, यहाँ पे टिप देने वाला हूँ। देख ऐसे आपको टिप देने वाला हूँ कि इस टिप का यूज करके आप यहाँ पे बंदों को तो नॉक करोगे करोगे बट आप भी नॉक हो जाओगे। हाँ इस टिप का तभी यूज करना जब आपका टीममेट जिंदा हो, तो यानी कि आपको वो रिवाइव दे सके तभी इस टिप का यूज करना ना तो मत करना। नेक्स्ट एंगल की बात करें तो ये वर्क करता है क्लॉक टावर के ऊपर एंड यहाँ पे आपको मिनिमम 1 ग्रेनेड का यूज करना पड़ेगा। भाई यार एक ही ग्रेनेड तो मिल ही रहा है बट यहाँ पे आप अंधाधुन ना ग्रेनेड को कूक करके फेंक देना एंड 100% यहाँ पे बंदा मिल ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे अक्सर आप बंदे होते ही होते हैं एंड बहुत इजी पे आप बंदे को किल कर सकते हो। एंड गाइस अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जो कर देना क्योंकि ये वीडियो बनाने में सच में बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।